यूरोप ते देश विदेश विच बैठिया सारे ही दर्शकों नू जो कि इस टाइम सिख टीवी चैनल देख रहे ने, मेरे वन्यों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आज जी थोड़ा मेज़बान कमलजीत सिद्धू। प्रोग्राम खास गलबात दे विच अज असी गल करांगे संगीत गुरमत संगीत के बारे में। इस टाइम जो तुसी देख रहे हो अपने पर्दे उपर, ते अज असी पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी के संगीत विभाग के मैं बैठा वा, तो मेरे नाल जो मौजे शख्सियतां बैठिया ने उन्होंने थोनों मैं रूबरू करावा। मेरे नाल बैठे ने बहुत ही संगीत दे विच प्रवीण, खास तौर दे उत्ते गुरमत संगीत की गल कर लिए, शास्त्री संगीत की गल कर लिए, मैडम निवेदिता उपल जी, डॉक्टर की डिग्री संगीत इन्हां दी हैगी ने, ते उन्हां नाल ही परले हथ साडे कोले डॉक्टर अलंकार सिंह जी, जिहड़े इस ही यूनिवर्सिटी दे विच असिस्टेंट प्रोफेसर ने संगीत विभाग दे विच। ते इन्हां नाल अज जो असीं गलबात करनी, उस तो पहलां असीं फतेह की सांझ पावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो मैं जी आए नूं कहिंदा हां इस प्रोग्राम दे विच, ते गल करदे हां संगीत दे बारे दे विच, कुछ सवाल जवाब कि अज जो साडा संगीत है वह किहड़े पासे नूं जा रहा हैगा, और जदों इस तरह दीआं अहम शख्सियतां जिन्हां नूं असीं थोड़े रूबरू करदे हां उन्हां कोलों असीं इह जरूर पुछ के सारे जगह इह गल नूं पहुँचाउण दी कोशिश विच वी हैगे हां कि हर वो पक्ष किसी भी तरह का जो पंजाब दे विच अज संगीत दा हैगा आ उन्हों किस तरीके नाल मूहरे लिया के असी चंगे पक्षां नूं थोड़े रूबरू करिए। तो सवालों के असी गल पहला इन्हें संगीतक सफ़र तो मैं गल करांगा मैडम नवेता जी नाल। ए संगीत सफ़र की आप गल करिए, कदों आरंभ होया ये संगीत का सफ़र? कमलजीत जी बड़ा चंगा लग रहा है सिख चैनल यूके लिए तुहाडे नाल गलबात करना। संगीतक सफ़र बारे दसना चाहनी हाँ कि मेरे जीवन विच संगीत का प्रवेश मेरी माँ की गोद विचों ही होया। मेरे माता जी डॉक्टर कमलेश उपल थिएटर के प्रोफेसर, वो रिटायर हुए ने पंजाबी यूनिवर्सिटी तो ही, तो उन्होंने बहुत सारिया पुस्तकां पंजाबी रंगमंच बारे पाठकों की झोली पाईया ने। वो संगीत का अभ्यास करया करते सी, जदों असी होश संभाली तो उन्होंने सुनते होंगे सी, उतों सानू गुड़ती मिली। उस तो बाद कुछ समा मैं कथक नृत्य की तालीम ली, तो फिर मैनू संगीत गुरु उदों मिले जदों मेरे भरा जिहड़े नाल बैठे ने डॉक्टर अलंकार सिंह, इन्हां नू संगीत की तालीम दिलवाण लई साडे घर साडे पहले उस्ताद स्वर्गी गुरमत संगीताचार्य स्वर्गी प्रोफेसर तारा सिंह जी का आना शुरू होया। अलंकार होरां दी जिहड़ी संगीतक प्रतिभा सी उह बहुत निक्की उम्र तो ही सामने आई, सिर्फ 4 साल दे होणगे, ते माता पिता ने फिर सोचिया कि इन्हां नू बाकायदा तालीम दिलवाई जाए, तां उन्हां दा साडे गुरु जी का उस्ताद जी का आना शुरू होया, मैं नाल बैठना शुरू कर दिता, ते इस तरह जिहड़ा संगीत नाल नाता साडा बचपन तो जुड़ गया। उस तो बाद मैं जदों अपनी उचेरी तालीम लई सिक्ख्या लई एम ए तो बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी दाखला लिया, उत्थे मैं फिर एमफिल पीएचडी संगीत दी पूरी कीती, तां मेरा उस समय जिहड़ा राबता है स्वर्गीय प्रोफेसर अजीत सिंह पैंतल नाल जुड़िया, मैं उन्हां तो कुछ समा संगीत दी तालीम लई, ते इस तो अगे फिर साडी तालीम कित्थों होई मैं डॉक्टर अलंकार जी नूं माइक देवांगी ओह दसन जी। गुरमत संगीताचार्य प्रोफेसर तारा सिंह जी, जिवें कि भैन जी दस रहे ने डॉक्टर निवेदिता जी, उन्हां तो लगभग 11 साढ़े 11 साल असीं दोवां ने सिखिया। असीं बहुत ही साडे चंगे भाग ने कि साडे उस्ताद ने साडे संगीत दे गुरु ने सानू साडे घर आ के सिखाया, क्योंकि असीं बहुत छोटे सी। और तारा सिंह जी ऐसा पंजाब का ही नहीं, भारतीय संगीत का, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का इन्ना वड्डा खजाना उन्हां कोल सी कि उन्हां तों बहुत होर कई उस उन्हां दे शिगिरद ने कई जाणिआं ने सिखिया, जिवें कि डॉक्टर गुरनाम सिंह ने भी सिखिया, जिहड़े कि गुरमत संगीत दे साडे यूनिवर्सिटी फाउंडर हैड ने प्रोफेसर ने, ते बाकी सारे उन्हां दे घर जा के सिखते सी। साडे ते उन्हां ने विशेष कृपा कीती कि साडे घर आना, और ऐतवार नूं तां सवेरे सवेरे 5:30-6 बजे क्लास शुरू हो जाणी। उस तो उपरंत जिवें दस्सिआ मैडम ने कि इन्हां ने दिल्ली सिखिया डॉक्टर अजीत सिंह पैंतल तों,
तो उस समय दौरान मैं भी पटियाले एक हस्ती होए ने डॉक्टर श्रीमती मधुरिमा किशोर दो ढाई साल मैं उन्हां कोल सिखिया। उस उपरंत असी दोवें अंबाला कैंट के पंडित गणेश प्रसाद शर्मा जिहड़े कि बेसिकली इलाहाबाद तो बिलोंग करते सी, इलाहाबाद सिखिया उन्होंने और 1963 च अंबाले आ गए सी। तो असी मेरा ख्याल है 1995 तो उन्हां पास जाना शुरू किया। लगातार 24-25 साल सिखिया उन्हां तो, शास्त्रीय संगीत की अगलेरी तालीम लई बंदिशां बहुत सिखियां। तो पिछले साल 2017 दिसंबर च ही वह अकाल चलाना कर गए ने साडे गुरु जी। बाकी ये कि जिहड़ा कोई भी अध्यापक है, कोई भी कलाकार है, वह सदा सीखता, नित सीखता। सो वह हले भी सफर जारी है साडा। अच्छा, ये बड़ी खुशी की गल हैगी कि दोनों आपस में रिश्ते च भैन भरा ने, डॉक्टर लंकार जी और मैडम निवेदिता जी। ये बहुत घट चांस होंगे इस तरह के कि एक घर के जोड़े है दो हस्तियाँ इस तरह दियाँ हो। जो तुम इतने यूनिवर्सिटी सेवावान देने की गल आई, किन्ने क वरे हो गए है इस विभाग न जुड़े हुए? इस विभाग न मेरा तो अलंकार जी दोनों का नाता विद्यार्थी का भी रहा जी। असी दोवां ने एमए म्यूजिक की इतों ही की, बल्कि अलंकार जी उस हिसाब नाल मेरे विद्यार्थी भी रहे जो मैं इतने फिर पढ़ाना शुरू कर दिता। 1994 फिर मैं इस विभाग में अध्यापक के तौर पर आ गई। तो उस तो पहला मैं 2 साल इतने एमए की स्टूडेंट रही। तो मैं बहुत दसन च खुशी है कि एक तरह नाल मेरी कर्म भूमि है। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी के संगीत विभाग हुण तक असी पंजाब दे विच एक संगीत की चंगी लहर चलाउण वास्ते काफ़ी निठ के काम किया है। सानू इस गल की खुशी है। 2012 तो 2015 के दौरान मैं इस विभाग के मुखी की जिम्मेवारी संभालण लई जो मौका मिलिया, उस दौरान असी इतने काफ़ी अजिहे प्रोग्राम व्यौंते जिन्हां नाल के पंजाब के विरासती संगीत नू असी उजागर करन विच कामयाब होए। जिस तरह असी एक पंजाबी संगीत जड़ा है उत्सव वो शुरू किया, जिदे विच असी पंजाब दे संगीत दियां अलग अलग सिनफा जिवें गुरमत संगीत, सूफी संगीत, साहित्यक गायकी, ये सारियां पेश करदे सी। ते मैनू दसण च बहुत खुशी है कि असी बहुत इत्थे वड्डे वड्डे कलाकार भी बुलाए। ते एक असी होर पंजाबी संगीत सेवा सन्मान शुरू किया जिहड़ा असी तुसी नाम सुनिया होएगा, जिहड़े इपटा लहर नाल भी जुड़े रहे, अमरजीत गुरदासपुरी, हाँ जी बिल्कुल बहुत वड्डा नाम, पूरन शाह कोटी, गुरपाल पाल जी, देसराज लचकाणी, इन्हां सारियां हस्तियां नूं असीं उह सन्मान दिता। यानी उन्हां नूं सन्मान देण दा अर्थ है कि यूनिवर्सिटी ने अपनी जिम्मेवारी नूं निभाया, इस विभाग ने अपनी जिम्मेवारी नूं समझिया कि इस तरह दियां हस्तियां नूं, और इहदे लई असीं सचमुच बड़े शुक्रगुजार हाँ साडे साबका वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह जी दे, जिन्हां ने उचेचे तौर पर निजी दिलचस्पी लैके इन्हां प्रोग्रामां नूं करवाउण लई सानूं हर तरह नाल सहयोग दिता। ते इन्हां इस तरह के गायकों रवायती गायकों इतने बुला के उन्होंने सम्मानित किया। सानू खुशी है कि असी अपने विद्यार्थियों नू संगीत की है ये दसण दे विच, ये समझाण दे विच कामयाब होने आ, सानू इस गल की बहुत खुशी है जी। इस तो अगे असी बहुत वधिया लग्या कि यह इन्ने पुराने जिहड़े जिन्हां नू गौलियां मैं समझदा हैगा, जिवें हुण बाई अमरजीत गुरदासपुरी दी दर्शकों मैं गल करनी चाहूँगा। इंडियन पीपल थिएटर जो शुरुआत होया तो वह शुरुआती उन्होंने लोगों के सके जे इस चीज़ में जुड़े हुए थे, यहोजी दिग्गज हस्तियों बुला के एक यूनिवर्सिटी बनियो, और जो इन्हों एक जिम्मेवारी मिली तो इन्होंने उन्होंने माण सम्मान किया, एक बहुत वड्डी यह जी सी घाट जी वह भी इन्होंने पूरी की है। तो पंजाब जो हूँ वर्तमान समय का जो संगीत दृश्य है वह की है, इस बारे जरूर सानू दसो। कमलजीत जी, जिस तरह असी गल कर रहे हैं कि पंजाब सभ्यता का पंगूड़ा है जी, जे असी भारतीय संगीत की गल करिए जड़ा तो पंजाब जी ने, क्योंकि सप्त सिंधु ब्रह्मवृत पंचना दे ही यही धरती सी जिथे वेद भी रचे गए, नाट शास्त्र भी रचिया गया, पाणिनी दी अष्टाध्यायी भी रची गई, और पंजाब की सभ्याचारक रहतल दे विचों चार जिहड़ियां सिनफां ने ओह विकसित होईआं, लोक संगीत, शास्त्री संगीत, सूफी संगीत, गुरमत संगीत। इन्नी महान संगीतक विरासत होण दे बावजूद जे असीं अज निगाह मारदे हाँ
तो खास तौर पर जी कमर्शियल या व्यापारक पद्धर उत्ते जी गायकी इस वेले सारे पासे फैली हुई है, वो वेख के एक बार तो हैरत होंदी है कि ये वापर की रहा जी, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। साड़ी वो जी इन्ना वड्डा खजाना, ईवन साडा जिहड़ा आधुनिक पंजाबी काव का एड्डा वड्डा खजाना है, वो सारे बोल वो सारे कविता कित्थे गुआच गई, वो केड़े संदूक च रख के असी जंदरा मार के वो चाबी कित्थे सुट बैठे हैं, है ना। एक बार बड़ी मन च हैरानी होंदी है, पर इहदे पिछे बहुत परती जिहड़े कारण ने, क्योंकि पंजाबी जिहड़े ने इस वेले एक इंटरनेशनल विश्व भाईचारा है, है ना, ते पंजाबीयत दी मार्केट भी इस वेले बहुत वड्डी है जी। ते ओ हुण तरह तरह के मुल्कां च बैठे होण करके पंजाबियां तक जिहड़ी पहुँच रही है गायकी पहुँच रही है, वो इस तरह के बहुत सारे विश्वीकरण के वर्तारिया नाल ते होर कई किस्म के जिहड़े झखड़ झुल रहे ने साडे राजनीतिक और आर्थिक पद्धर के उत्ते, उन्हां सारिया नाल जुड़ के, क्योंकि बहुत वड्डी मंडी है पंजाब, मैं जिस तरह दस्सिया कि इस वेले इंटरनेशनल कम्यूनिटी ने पंजाबी, तो इस करके ये सारा कुछ जिहड़ा वो वापर रहा है। पर कुछ हुण मैनूं लग रहा है कि लोगों के चेतनता भी वधी है इस पासे वल, कुछ जागरूकता भी आ रही है, तो उम्मीद है कि आने वाले समय के इस पैरल जिहड़ी है वो समान अंतर जे असी विरासती अपनी गायकी विरासती गायकी तो मतलब यही नहीं है कि असी कोई वो बहुत पुरानी रवायती गायकी गाउणी है, देखो विरासत या रिवायत हमेशा समय के नाल जिहड़ी है वो समय के हाण की बननी चाहिए होंगी है, जो नहीं बनती ना फिर इसलिए लोग मूँह मोड़ते हैं। सो उम्मीद है, मैं तो हमेशा आशावान होंगी कि आने वाले समय ची अपनी इन्हों चीज़ों होर चंगी तरह उजागर करने के काबिल हो सके। पंजाब जिहड़ा विरासती संगीत जो हुण तुसीं चार सिनफां सानूं दस्सियां हैगियां विरासती संगीत, अज ये ठीक है कि युग इस तरह का सानूं सारिआं नूं पता होया पिआ है कि वह जिहड़ी साफ सुथरी गायकी का अक्स है उहनूं ढा लगी हुई है, वह चीज़ां अगे नहीं आ रही जिहड़ियां आउणियां चाहीदियां हैगियां, पर फिर भी बहुत सारे इहो जे दिग्गज मैं कहूँगा हाले भी बैठे आ, चिंतक हाले भी बैठे आ जिहड़े इन्हां चीज़ां बारे सोचते हैं, तो ये यतन तुहाडे नज़र च की होने चाहिए इहदे प्रचार प्रसार लई संगीत दे। गल इस तरह जिवें मैडम निवेदता जी कह रहे ने, लोक संगीत जी साडा सब तो पुराना संगीत है, लोक संगीत तो ही पुण के छण के रिफाइन हो के हौली 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 शास्त्रीय संगीत बनया, पंजाब लोक संगीत का गढ़ रहा ही है और शास्त्रीय संगीत का भी गढ़ रहा है। पंजाब वो धरती है जिथे पिंडां विच भी ध्रुपद धमार दे घराने रहे ने, पिंडां विच भी ध्रुपद गाया जाता रहा है, घट्टो घट्ट 6-7 घराने ने जिन्हां दा नाम असीं अज भी लैंदे आ, होर भी रहे होणगे, मतलब पटियाला पे बैठे पटियाला तो है ही है, पटियाला तो विश्व प्रसिद्ध रहा है, उस तो इलावा शाम चौरासी हो गया, तलवंडी घराणा हो गया, फिलौर हो गया, जांडला हो गया, कसूर रहा पाकिस्तान जी जी जी। पर जिस तरह हुण असीं गल कर रहे सी, ऐसा की वापर गया कि जिहड़ा उह प्योर शास्त्री गायकी क्लासिकी मौसीकी सुनदे सुनदे सुनदे, उस तो बाद साढ़े जदों शहरीकरण हो गया, हरी क्रांति आ गई, तो मध्य वर्गी जिहड़े शहरी तबका है उत्थे जिहड़ी वो पहला जिहड़ी अखाड़ा गायकी सी उत्थों हौली 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 वो स्टेजी गायकी वाल आ गए, उदों तक भी ठीक सी, घट्टो घट्ट कोई म्यार सी, हालांकि उदों भी लगता होएगा वो कि गाने किदां दे हो रहे ने, चेंजेस हो रही ने, पर उस तो बाद मैनूं लगता जिहड़ा सब तो ज़्यादा नुकसान होया संगीत दा, पंजाबी संगीत दा और हर तरह के संगीत दा, वो उदों तो होया जदों तो संगीत जिहड़ा कि सुनिया जाण वाला मणिया जाण वाला अखां बंद करके तुसीं उहनूं महसूस करदे हो, वह कला सी उहदे नाल जिहड़ा जदों तो वीडियो जुड़ गया, संगीत दे वीडियोज़ बनन लग गए, वह दिखावाबाजी ज़्यादा वध गई, सुर उहदे पिछे जिहड़ी एक सोच है, एक जिहड़ी चेतनता है, एक सूखमता है, वह किते गवाच ही गई। सो इहदा असर सब तो ज़्यादा असर इहदा जिहड़ा उह साडी गायकी ते हो गया, जिहड़ा संगीत असीं परमात्मा दा नाम लैण लई आराधना करन लई नाम जपण लई, की गुरु नानक देव की सारे गुरु किन्ने संत भगत फकीर
पीर उन्होंने जिसन वरत्या वह संगीत केवल 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 मनोरंजन मनोरंजन भी ना कहिए एक बहुत हल्का मनोरंजन एक बहुत गैर मियारी रूप अख्तियार कर गया वो पिछे कारण जिमें इन्होंने कहा कारण उ ने मंडी कंपनिया भी होर सारे जड़े ने वो ऐसे जे संगीत को ही प्रोत्साहित करते हैं ओदिया ही सीडिया आदि ने ओदिया ही ट्रैक बनते हैं जोड़ा इस तरह दीज़ा गाँव क्यों क्योंकि ये लोग सुन रहे हैं सो जिथे कलाकार की जिम्मेदारी बनती है एक चिंतक की एक टीचर की जिम्मेवारी बनती है कलाकार की भी बनती है कि अच्छा संगीत गाया जाए बनाया जाए उत्थे स्रोतिया की बहुत वड्डी जिम्मेदारी बनती है कि उस साडे विरासती संगीत को साडे असली संगीत को सुनन माणन उन्हें एप्रीशिएट करन सो तुसीं देखो इसे लिए कुछ कलाकार सतिंदर सरताज है गा रहा चंगा गा रहा वधिया गा रहा उन्हें अपना नाम बनाया होया हूँ अजक कंवर गरेवाल जी वह भी बड़ा चढ़े हुए ने ठीक है उन्होंने एक अपनी वक्री गायकी है पर यह भी एक म्यार तो है ना जी बिल्कुल एक वो उन्होंने गंदलापन नहीं आन दिता और इसलिए लोग सुन रहे ने उन्होंने अच्छा मैं सवाल सवाल येगा रागों की गल करते जी श्री गुरु ग्रंथ साहब की बारे असं जानते हैं कत्ती रागों के बाणी जी हैगी सारी हैगी पर असी बहुत जगह देखते हैं कई बार जिन्ना जानते हैं कि जिहड़ा हुण लावां हुंदियां है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सूही राग दे विच है अक्सर असी व्याहां दे विच भी देखते हैं कि टाइम 2 बजे उस टाइम वह साडे रागी सिंह जिहड़े हैगे कीर्तन कर रहे हैगे आ तो बड़ा जेड़े तो जानने वाले है उन्होंने मन च दुख भी आता है कि वह 12 बजे तक का एक मुकर्र टाइम है और उस तो बाद वो कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी जानी अनगहली उन्होंने हैगी इतने आप रागों बारे ही गल करा कि गुरबाणी के जोड़े रागबद्ध तुम ये काफ़ी काम किया है वह किस तरह से हाँ जी उस बारे दसो ये भी साढ़े तो विशेष जी बख्शिश हुई ना प्रोफेसर तारा सिंह जी की हुई जिन्होंने सानू इस पासे लगाया क्योंकि प्रोफेसर तारा सिंह जी वो शख्स है जिन्होंने जिहड़ा असी अज टर्म गुरमत संगीत सुन रहे हैं रागबद्ध बाणी की गल कर रहे हैं यू विज्ञानिक लीहां ते तोरन का जिहड़ा महान कारज है उन्होंने आरंभिया तो वह प्रोफेसर तारा सिंह जी ने आरंभिया क्योंकि वह पढ़े लिखे एक जिन्होंने क्लासीकल भी सीख्या वादन भी सीख्या गुरबाणी तो उन्होंने घर च ही सी सो प्रोफेसर तारा सिंह जी ने अपना सारा जीवन लगाया गुरमत संगीत दे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे राग विधान नू समझण लई उहदी खोज करन लई उहनां रागां दे सरूप निर्धारित करन लई इत्थे ये दसना भी जरूरी है भी अज असी 31 ते 31 62 राग सारे मन रहे ने जवद्दी टकसाल होवे भावें गुरमत संगीत विभाग होवे पंजाबी यूनिवर्सिटी का पर प्रोफेसर तारा सिंह जी ने अपनी पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहब राग रत्नावली विच 65 राग मन्ने ने गुरु ग्रंथ साहब जी दे चलो और उन्होंने तुम देखो कि 1988 उन्होंने ये गल कहती सी मतलब उन्होंने सोच कितों की कितों तक सी 1988 चर्चा करते भी 31 राग जिहड़े है उन्हां च आम गल करते हैं तो तारा सिंह जी तो सानू ये जड़ी सिक्ख्या मिली जी डॉक्टर निवेदिता जी हुए मैं भी गा रहा असी कोशिश यही की है कि रागां दे विच ही बाणी गाई जाए जदों गुरु साहब ने हर शब्द उपर राग अंकित किया शब्द बाद शुरू होंदा उहदा सिरलेख है मोटे मोटे अक्खरां च राग दा नाम आउंदा पहलां जी बिल्कुल कल्याण महला पंजवा हाँ जी बिल्कुल भैरों महला पहला बिल्कुल सो सूही सूही ललित भी है बसंत है बसंत हंडोल है वो अगे होंगे तो यदा मतलब है कि सानू गुरु कह रहे हैं कि इनू इस राग च गाया जाए सो रागी तो टर्म ही राग तो बनी है यानी जिहड़ा राग का ज्ञाता है राग च गाँव पर अफसोस यह है कि बहुत घट रागी ने साडे कि जिहड़े इस वेले गा रहे हैं सो कोशिश यही है कि रागों में गाया जाए और ये मैं बड़ा अच्छा मौका मिलता है मैं एक स्पिक मैक संस्था है सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ वो वालों गुरमत संगीत के वक् वक् जगह असं प्रोग्राम दें स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटिया और IITs IIMs के लैके कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक और वो बड़ा अच्छा इंटेंसिव कराते हैं हफ्ते का पूरे एक हफ्ते का उहदे चों कोर्स लगवाते हैं जिहदे च यंग बच्चियां नूं बुलाया जाता है रोज़ सवेरे 4 to 7 4 बजे तो लैके 7 बजे तक उहदे सिखाया फिर 9 to 12 6 घंटे उन्होंने ट्रेनिंग होंदी है सो इस तरह हौली 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 चेतना जाग रही है काफ़ी प्रचार भी हो रहा अच्छा अज्ज दा जिहड़ा अपना यह विशेष प्रोग्राम आप गल कर रहे हैं
आ वरा जिहड़ा हैगा साडे लई बड़ा मुकद्दस है कि श्री गुरु नानक देव जी का जिहड़ा 550 साल प्रकाश पुरब हैगा वड्डे पद्धर दे उत्ते पूरी दुनिया दे विच जिथे भी पंजाबी और जिथे भी सिख भाईचारा बैठा वो मना रहे हैगे। जे असी इस गुरमत संगीत दे पक्ष तो असी गल करिए ते इहदे प्रचार प्रसार लई किहड़े किहड़े कारज इस वरे विच होने चाहिए तुसीं उस बारे सानूं दस्सो। कमलजीत जी, पहला तां जरूर असी दर्शकां नाल इह सांझा करिए कि श्री गुरु नानक देव जी वो महापुरुष ने जिन्होंने गुरमत संगीत की नींह रखी। असी जानते हाँ कि जदों जदों भी उन्होंने बाणी उचारी वो रबाब की अकंपनीमेंट उसकी संगति दे नाल उचारी। तो गुरु नानक देव जी ने एक होर जिहड़ा बड़ा वड्डा उन्हां दा काम है ना, मैं इत्थे जरूर उजागर करना चाहवांगी। ये असी जानते हाँ कि वह अपनियां उदासियां दौरान बहुत वड्डा उन्होंने स्थान जिहड़े ने और वड्डे पद्धर ते कवर कीते। एक जिहड़ी बड़ी खूबसूरत गल उन्होंने की कि जदों दक्खण वल गए होणगे तो उन्होंने दक्खणी रागां नूं गुरमत संगीत दे विच लिया के इंट्रोड्यूस किया। जिस वक्त गुरु नानक देव जी का समा सी वो समा सी जदों भारतीय संगीत दो पद्धतियां दे विच वंडिया जा चुका सी, उत्तर भारती ते दक्षिणी भारती। गुरु नानक देव जी ने जदों वो राग लिया के उत्तर भारती संगीत दे विच उन्हां नूं इंट्रोड्यूस किया तां एक तरह उन्होंने इन्हां दोवां पद्धतियां नूं मेलन दा कारज किया। मैं दसना चाहवांगी कि गौड़ी बिलावल वडहंस मारू रामकली प्रभाती ये छे दक्षिणी राग ने जिहड़े गुरु नानक दी बाणी च मिलदे ने। गुरु नानक ने जो फलसफा दिता वह अपने आप च इन्ना विशाल है और उन्होंने हर शब्द जिहड़ा है उस दे विच एक फिलोसफी बयान की है ते उसनू रागबद्ध कीता है ना। हुण वक्त है कि असी अपनी इस महान जिहड़ी गुरमत संगीत दी विरासत है इस वेले सरकार भी अपने पद्धर ते 550 साल जिहड़े उन्होंने मना रही है, सारी दुनिया दे विच बहुत सारियां संस्थावां यूनिवर्सिटीज उपराले कर रही ने। ता एक तो सब तो वड्डा उपराला यह होना चाहिए है कि खास तौर पर जिहड़ा साडा केंद्रीय स्थान है श्री हरिमंदर साहब उत्थे जिहड़ियां कीर्तन चौकियां सवेर तो लैके ते रात तक चलदियां ने। हुण जागरूकता तो आई है कि रागी सिंह शुरुआत एक शब्द नाल जरूर करते हैं जिहड़ा राग विच होवे, पर क्यों ना असी इस नूं यकीनी बनाईए कि जिहड़ी बाणी घट तो घट राग च है, जिस बाणी दे उत्ते किसे राग दा कोई नाम नहीं है उहदे लई तां चलो खुल है कि असीं उसनूं किसे भी राग या धुन विच गा सकते हैं। जिन्नी बाणी रागबद्ध है उसनूं केवल उहनां रागां विच ही गाया जावे। एक तां सानूं इस तरहां दे जिहड़े फैसले ने उह जरूर लै के इंप्लीमेंट करने चाहीदे ने। इस तों इलावा जिहड़े साडे रवायती या तंती साज ने है ना, क्योंकि असीं हुण हारमोनीयम नूं स्वीकार तां कर लिया, हारमोनीयम दे नाल जरूर शब्द गायन हो रहे हाँ, पर उह साडा इह साडा साज ही नहीं है, वैसे तां वैस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है पर चलो इस वेले साडे संगीत दा हिस्सा है कोई गल नहीं। पर क्यों ना जिहड़े अपने रवायती साज ने उहनां नूं वी जिहड़ा है नाल पूरा स्थान देईए, जिस तरह रबाब है, इसराज है, दिलरुबा है, है ना, सारंगी है, सरंदा है, ताउस है, जिहड़े गुरमत संगीत दे खास तौर ते साज ने, उहनां नूं भी असीं इह अहद कर लईए कि जदों भी कोई जत्था बैठे तां उह अपने नाल कोई ना कोई इक अजिहा साज जिहड़ा उह जरूर लै के बैठे। सो असल दे विच जिहड़ा देखण च आया उह इह है कि रागी होना भी ना हुण इक धंधा बना लिया गया, जे सही शब्दां च कहीए। रागी दा अर्थ है जिवें अलंकार होना ने कहना राग दा ज्ञाता होवे, राग विद्या जानता होवे, ते हुण इह मसला हो गया भी 8-10 शब्द सिखे, 2-4 जन्म दे सिखे, 2-4 किसे दी मौत ते गाने ने भोग ते ओह सिखे, लावां करनियां सिख लईआं, ते फिर हरेक दा जिहड़ा हुंदा है कि बस हुण मैं जहाजे चढ़ जां ते बाहर चला जां, बाहर नहीं। इहदे विच इक होर वी तां मसला हैगा ना कि जिवें असीं देखदे आं बहुत सारे शब्द जदों गायन हुंदे आ असीं शब्द दी धुन दे विच मस्त होए हुंदे आ, पर उदों मत्था ठणकदा जदों ओह किसे फिल्मी गाने दी धुन दे उत्ते हांजी ओह गाया जा रिहा हुंदा। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਚੇਤਨਾ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਵੱਦੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਯਤਨ ਨੇ
और जिस तरह प्रोफेसर तारा सिंह जी का सी जिहड़ा शागिर्द वर्ग है, असीं सारे काफ़ी यतन कर रहे हैं। हुण चेतना बहुत है, रागबद्ध गुरमत संगीत वाल भी बहुत चेतना है, पर यह समा है कि असीं हुण इन्हां चीज़ां नूं पक्के तौर पर इंप्लीमेंट करन लई जिहड़ियां साडियां संस्थावां ने, श्रोमणी संस्थावां ने साडियां, वो इस पासे जरूर जिहड़े इस तरह के यतन कर बिल्कुल जी। संगीत की असीं गल कर रहे सी, गुरमत संगीत दे विच साडे कोले बहुत सारे पुराने जिहड़े भाई त्रिलोचन सिंह रागी उन्होंने असीं सुनदे आ रहे हैं, भाई सुमंद सिंह रागी उन्होंने असीं सुनिया हुण तक, भाई गोपाल सिंह रागी, उस तो बाद बहुत सारे जिहड़े गुरमत संगीत विच रागी सिंह साडे कोल होए आ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਔਰ ਨਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੈਨਲਸ, ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਸ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ FM ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਜਸਟ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵਸੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ। ਸੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੁੜਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਕ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੁੜਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਕ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਖੋ ਭੀੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਭੀੜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਕੁਛ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਈਦਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਵਿਦਿਆਲੇ, ਇੰਨੇ ਉੱਥੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ, ਜਿੱਦਣ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਉੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਲੰਗਰ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਸਟ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੈਨ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਨ, ਉਹ ਚੈਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਂ ਗਿਆ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ,
मैनू बड़ी खुशी हुई कि वड्डी गिणती विच गोरे सुनन आए हुए सी, अफगानी सुनन आए हुए सी, जिन्हां नूं नहीं उह भाषा आउंदी, जापानी लोग से, कुछ चाइनीज़ से, कोरियन से, वह आए हुए सी, और उन्होंने साडे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सुने और बड़े अदब नाल सुने, बड़े सत्कार नाल सुने। इस तरह गुरबाणी है, उत्थे जाईदा है, वह कहिंदे ने जी सानूं पड़तालां सुनाओ, सानूं रागां च गा के दसो। सो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होंदी है, बहुत भरवा हुंगारा मिलता जी। आपां क्योंकि आप जी शास्त्रीय संगीत और गुरमत संगीत दे बारे ही तुसीं बहुत वड्डा उपराला जिहड़ा हैगा कर रहे हो, विद्यार्थियों नूं जिहड़ी तलीम है वह तुसीं दे रहे हो। अज दी गायकी बन्नी असीं देखदे हां, असीं बहुत लंबे अरसे तों गायकी जिहड़ी हैगी है वह सुणदे आ रहे हैगे आ। कदे जिवें कि मैडम जी होरां ने जिक्र कीता सीगा वी गायकी जिहड़ी सीगी उह सुन दी चीज़ रही आ, कन्नां दे विच मिठा रस घोलण दी चीज़ रही हैगी, पर अज दी जिहड़ी हालात उह की बन गई है कि गायकी नूं जिहड़े हैगे असीं उहनूं वेखण दी वस्तु बनाता, ते वेखण तों बाद हुण मारू हथियारां दी, गुंडागर्दी दी, गैंगस्टरां दी, नशियां दी, और उह की कुछ आ कि जिहड़ा असीं आपदे परिवार विच बहि के वेख ही नहीं सकदे। ये साड़ी जिहड़ी स्थिति आ गंभीर बनी हुई है, तो मेरा यह सवाल है जी कि पंजाब विच जिहड़ी इह गैर मियारी गायकी दी हनेरी झुलदी पई आ, इनू ठल पाउण लई की यतन होने चाहिए, किवें मतलब ये हड़ जिहड़ा इह आया विआ रुके और सारी नौजवान पीढ़ी इहदे विच रुड़ी जांदी है जी। कमल जी जी पहला भी आपां है ना इस पासे उही गल कीती है कि सचमुच ये मसला साडे लई बहुत गंभीर इस वेले बनिया होया, तो ये सारी झुलदी हनेरी च समझ ही नहीं आ रही भी इनू किदां ठल पाईए, कित्थों शुरू करिए। पर मैनू लगता है कि शुरू पहला तो घर तो करिए। जिस तरह मसलन मैं संगीत दी विद्यार्थी हाँ, लंबे समय तो संगीत चलो सिखाउनी भी हाँ, साधक भी हाँ, पहला तो असी अहद कर लईए कि असी इस किस्म की गायकी तो अपने आप नूं दूर रखना है। फिर साढ़े को इन्ना वधिया मंच है, एक पूरी यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी का एक पूरा विभाग है जिथे सानू किन्नियां पीढ़ियां दे रूबरू होने का सानू मौका मिलता है ना, किन्ने साढ़े बैचेस निकलते हैं विद्यार्थियों के, जे असी उन्हां दे मना विच किते ये गल पा सकीए, सोच पा सकीए कि विद्यार्थियों साड़ी असल गायकी की है, ते ए जो है वो की है। मेरा ख्याल है ये भी अपने आप दे विच असी 10 नू 20 नू एक सैशन च चेतन करांगे, वो 20 अगे जा के 20 नू करन, 40 नू करन। सो इट मीनस के सब तो पहली गल है अवेयरनेस, चेतना का होना बहुत जरूरी है। दूसरे जिहड़े जतन ने वो साडे जथेबंदी या संस्थागत पद्धर ते हो सकदे ने, जिहड़ियां गैर सरकारी संस्थावां ने वो वध काम कर सकदियां ने, क्योंकि सरकारां दी कारगुजारी जिहड़ी है ना वो बहुत ही असी देख ही चुके हां कि बहुत ही कारगर इस पासे रही नहीं, क्योंकि उन्हां नूं अपनी डे टू डे पॉलिटिक्स तो बहुत ही वेल नहीं है कि वो पंजाब दे सभ्याचार बारे सोच सकन। ये दुख दी गल है, हालांकि क्योंकि जे असी भारत दे होर राज्यां वल नज़र मारीए तो सभ्याचारक तौर पर उन्होंने अपने आप नूं इन्ना क अमीर बनाया है कि उस हिसाब नाल सानूं लगदा है कि पंजाब दीआं सरकारां ने इस पासे क्यों नहीं इन्ने गंभीर जतन कीते। बड़ी बार गल उठती है पंजाब की सभ्याचारक नीति भी बहुत बार बनी है, बहुत बार गल उठी है कि कोई सेंसर बोर्ड बना दिता जावे जी, कोई चेक रखा जावे जी, पर मैनू लगता कि अवेयरनेस चेतना अपने आप दे विच बड़ा वड्डा सेंसर बोर्ड है। तीसरा उही जिहड़ी मैं गल कर रही हाँ कि सरकारां नूं जरूर ये मसले अपने हत्थां च लैने पैने ने, क्योंकि जब तक वो इस ते कोई चेक नहीं रखणगियां ते ये मसले जिहड़े हल नहीं होने। सो फस्ट ऑफ ऑल घरों, फिर जथेबंद हो के जे असी एक विचार रखण वाले कुछ व्यक्ति सांझे यतन करिए, ते फिर सरकारी नीतियां, ये तीनों चीज़ां जदों आपस दे विच कुछ मिलके तालमेल रख के चलणगियां ते जरूर। और पिछे पंजाब च इहदे बारे मैं तुहानूं इह वी दसणा चाहवांगी कि इहदे बारे कुछ लोक पद्धर ते मुजाहरे तक भी होए ने जी, इस तरह दे गायकी या इस तरह दे गवाईयां बारे। सो चेतना आ रही है और असी जिथे बैठे हाँ असी अपनी जगह बैठे तो यतन कर ही रहे हैं, और मैं दसन च बड़ी खुशी है कि असी सिर्फ क्रिटिसाइज ही नहीं कर रहे बैठे जी, जी। असी बहुत सारी खोज इस तरह की करवा रहे हैं, और साढ़े विद्यार्थियों ने बहुत सारे स्थानों के उत्ते जा के चंगे संगीत का, प्रीत नगर जरा अपना गुरबख्श सिंह होरा दा जरा स्थान है, पंजाब संगीत नाटक अकैडमी वालों, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वालों, इस तरह के म्यारी संगीत का असी प्रदर्शन भी किया, ताकि लोगों को बदल भी तो दईए ना, भी जे ये नहीं है तो फिर की होना चाहिए।
अच्छा आप जी ने मैं यही गल करा जीवे पंजाब अजकल काफ़ी चर्चा आप सारे देख रहे हैं कि जीवे पंजाब काफ़ी यूट्यूब के उत्ते और उन्होंने प्रोग्राम असी फेसबुक उत्ते देखते हैं वो कितना वधिया उपराला उन्होंने हो रहा बिल्कुल काश इदा का हो जाए सारा पंजाब मैं कहना चाहूँगा ये नाल ही गल जोड़नी चाहना जिवें मैडम ने दस्या है कि साढ़े विद्यार्थी और होर भी संस्थावां होर भी पंजाब संगीत नाटक अकैडमी हुई वह भी करती है प्रीतनगर विखे बहुत कुछ होंगे सो असी उन्हां दियां अलग अलग जगह परफॉर्मेंसिस तां करवाइया ही करवाइया उन्हां वल्लों गाए गीतां साहित्यिक म्यारी जिहड़े उन्हां दी गायकी है सूफी गायकी है उहदे विच कवाली भी शामिल है उहदे विच साडी जिहड़ी साहित्यिक गायकी उह भी शामिल है फोक भी है उहदी सी डी भी एक विभाग वल्लों तैयार कीती जदों मैडम हैड हुंदे सी विरसे दी खुशबू भाग पहला उह साडी यूनिवर्सिटी च अवेलेबल है मिलदी है इस तो इलावा बहुत प्रेरित है बच्चों नू साढ़े बहुत सारे विद्यार्थी जड़े ने ऑल इंडिया रेडियो तो होर चैनलों तो अप्रूव्ड कलाकार ने गा रहे ने अप्रूव्ड तो खैर रेडियो तो ही होंगे और ग्रेडिड आर्टिस्ट ने तो यही अहद करना सब तो पहला तो साड़ा फर्ज है असी करिए तो अपने जेड़े जेड़े संपर्क ने उन्होंने करवाइए एक मैं होर इन्नी वड्डी लखां दी गिणती च ऑडियंस प्रोग्राम वेख रही है कि जदों विआह शादी होंदे ने असी भी गल्लां बहुत वड्डियां वड्डियां करदे आं पर उदों असी भी डीजे लवा के उच्ची उच्ची गाने लवा दिंदे आं कि चलो जी अज तां मेरे मुंडे दा विआह अज तां मैं भी नचना मैं नहीं कहिंदा ना नचो नचो पर कोई चंगे गीत लाओ घट्टो घट्ट एक म्यारी गीत लगाओ पहला हल्का संगीत भी लगाओ जिहड़ी तुहाडी भूआ तुहाडी मासी कोई चाचा जी आए हुए ने उन्हां नूं मिलता लो ना गलता कर लो उत्थे एक उन्हूं नॉइज़ पोल्यूशन तां ना बना दिओ हल्का संगीत लगाइए उत्थे और मैनू बड़ा अच्छा लगता कई बार बुलाया भी जाता गाउण लई कि तुसीं जिवें कहा दो दो बजे तक लावां नहीं पणियां जांदियां पर हुण कुछ इस अजिहे भी परिवार ने जिहड़े सवेरे सवेरे 6 बजे और सवेरे 8 बजे भी आनंद कारज कर रहे हैं एक बहुत अच्छी शुरुआत है असीं इत्थों शुरू करिए ना दिल्ली च कुछ विआह हो रहे ने रात नूं बरात आ जाती है जी राती ओह डिनर करदे ने इकट्ठे बैठदे ने सवेरे सवेरे जा के सिद्धा गुरद्वारा साहब चों लावां करदे ने कीर्तन हुंदा ते उस तों बाद घर चले जांदे ने सो स्टार्ट शुरुआत सानू करना पएगा अपने घरों करनी पएगी सारयां नू अपील है कि इस तरह की सोच बनाई जाए बहुत वधिया गल हैगी है देखो बहुत सोहनी गल डॉक्टर अलंकार सिंह होरां ने की थी एक वेला गुरमत संगीत दे नाल नाल जिहड़ा शास्त्रीय संगीत दा पंजाब दी धरती तो ही उपजोदी रही है कह सकते हैं तो इस तों इलावा जदों असीं पंजाबी गायकी की भी गल करते हैगे हैं जिस वक्त पहला तबा कदे रिलीज़ होया किसी कंपनी ने कढ़िया पंजाबी गायकी दा उस तो बाद जदों असी 1943 दे उस जमाने की मैं गल जरूर करनी चाहूँगा जदों सुरिंदर कौर होना दा पहला गाना मावां ते धीआं रल बैठियां नी माएं क्योंकि इत्थे जिक्र करना जरूरी बनता अज भी साढ़े कन्नां विच जिहड़े हैगे आ उहदे पिछरी वर्गे बोल घुलदे हैगे आ ते अंदरों कितें एक कालजे नूं खिच भी पैंदी हैगी आ कि काश इहो जिहे गीत दुबारा क्यों नहीं बने अमरगीत तो उस तरह दा उह साडा गीत संगीत सीगा जदों असी रागी भाई सुमंद सिंह हुणां दा कल तारण गुरु नानक आया वर्गे उह शब्द सुणदे हाँ तो उदों एक इहो जे साडा वजद विच साडा जिहड़ा मन है साडी जिहड़ी रूह आ उह आ जांदी हैगी आ तो उदों यही दिल करदा कि काश सारा ही साडा जिहड़ा गीत संगीत इन्ना कु सुच्चा होवे कि साडी जिहड़ी रूह नूं उह सदा ही खेड़े आउंदे रहिण क्योंकि अज जो साडा स्वाद हैगा आ उह विगड़ चुक्या हैगा खाणे दा स्वाद विगड़िया साडे पहनण दा स्वाद विगड़िया तो साडा जिहड़ा गीत संगीत आ उह स्वाद भी विगड़िया अज तो यही साडी चर्चा हो रही सी पर इस चर्चा नूं मैं इत्थे विराम नहीं देऊंगा क्योंकि गल गुरु नानक देव जी दे 550 साल गुरपुरब की हो रही है तो इस मौके दे उत्ते मैं बेनती करूँगा डॉक्टर अलंकार सिंह जी नूं और मैडम निवेता उप्पल जी नूं कि शब्द गायन जिहड़ा है वह जरूर होना चाहिए तो मैं बेनती करूँगा कि शब्द जिहड़े आ वह एक एक शब्द सानूं जरूर सुनाया जाए जरूर और असं ये भी दसना चाहवांगे कि इस 550वें वरे नूं समर्पित की एक पुस्तक प्रोफेसर तारा सिंह होरां दी ही गुरु नानक देव राग रत्नावली वह भी प्रकाशित हुई है इस वरे उहदा संपादन डॉक्टर अलंकार होरां ने कीता सारी जिहड़ी गुरु नानक देव दी रागबद्ध बाणी विचों ही शब्द लैके उस विच दित्ते गए ने ते असीं दोवें जरूर एक एक शब्द का गायन करना अपना सुभाग समझांगे आओ हुण शब्द सरवण करते हैं मैं बेनती करूँगा गुरमत संगीत विच डॉक्टर अलंकार सिंह होरां नूं कि वह एक शब्द का गायन जरूर करें
सतगुर नानक प्रगटया मिटी तुंद जग चानन हो बाबे तारिया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया कल तारण गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया पुकार दातार प्रभु सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे पठाया गुरु नानक जग माहे पठाया चरण तोए रह रस कर चरण तोए रह रस कर चरणामृत सिखा पिलाया कल तारण गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म कल जुग अंदर एक दिखाया चारे पैर धर्म दे चारे पैर धर्म दे चार वरन एक वरन कराया चार वरन एक वरन कराया कल तारण गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया राणा रंग बराबरी राणा रंग बराबरी पैरी पवना जग वरताया पैरी पवना
उल्टा खेल बेरमदा, उल्टा खेल बेरमदा, पैरा ऊपर शीस निभाया, पैरा ऊपर शीस निभाया, कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया, कल जुग बाबे तारिया, कल जुग बाबे तारिया, सतनाम 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 पढ़ मंत्र सुनाया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक। कल तारण गुरु नानक आया, कल जुग पापे तारिया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, कल तारण कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु, कल तारण गुरु नानक आया, कल जुग बाबे तारिया, सत पढ़ मंत्र सुनाया, वाहे गुरु। हुणे तुसीं शब्द सरवण कीता कल तारण गुरु नानक आया। इस तो बाद मैं अगली बेनती मैडम निवेदिता जी नूं करूंगा कि वह भी अपना एक शब्द जिहड़ा हैगा वह सानूं जरूर सुनाउण। वाहे गुरु, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान मिला लो, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान पाप की जय ले का बलोता।
सरम धरम दोए छप खलोए, सरम धरम दोए छप खलोए, कूड़ फिरे पर धान वे नालो, कूड़ फिरे पर धान वे नालो, काजिया बामणा की गल था हुणे तुसी शब्द कीर्तन जिहड़ा सरवण कीता अंत विच मैं एक बार फिर धन्नवाद करदा हैगा आप जी ने कीमती समा कढ़िया ते की सुनेहा देना चाहोगे साडे दर्शक दिन दुनिया च बैठे देख रहे ने ते कुछ उह सुनेहा जिहड़ा हैगा आ अज तुसी जरूर दिओ। गुरु नानक देव जी दे 550वें प्रकाश पुरब दे अवसर ते
देश विदेश विच बैठी सारी संगत नूं बहुत बहुत वधाई। तो ये बड़ा उपयुक्त समय कि असी सारे ये अहद करिए कि असी पंजाब दी ते धरती उत्ते और जिथे भी पंजाबी वसते ने उस धरती के उत्ते असी अपने इन्हां गुरु साहिबान का अपने सूफी संतां का अपने होर जिहड़े वड्डे संगीतकार ने उन्हां दा सुनेहा यही अगे दईए कि असी चंगे संगीत नूं प्रणाए जाइए। असी सारे सिख चैनल ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਬਣਿਓ ਡਾਕਟਰ ਨਿਵੇਤਾ ਉੱਪਲ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਲੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।